बन के रेडी हो गया पराठा पत्ता गोभी का सब्जी प्याज। परसों से नहीं खाए, 2 दिन हुआ। कल तो पूरा उपवास था दिन भर। चले नाश्ता करने, बहुत भूख लगा। आज धूप एकदम सुबह से खिला है अच्छा से, देखिए शाम तक रहेगा कि नहीं पता नहीं। मम्मी भी खाई नहीं है, सुबह चाय बना के टोस्ट खाई है मम्मी। हम रात को 12 बजे के बाद 2 को टोस्ट खा के सोए थे, क्योंकि नींद नहीं आता मेरे को। थोड़ा पानी पी के टोस्ट खा के सो गए थे। गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स, आप आपके परिवार कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे, भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का अभी 8:30 बज चुका है। मेरा रोज का काम हम खत्म करके नहा करके पूजा कर लिए हैं। दिमाग भी नहीं चलता है भूखे में आदमी को, और पूरा आंख भी तक नहीं सकता किसी को, इसीलिए पहले नाश्ता उस्ता बना के बच्चा लोग को खिला देते, फिर आपने खा के फिर आप लोग से बात करेंगे। इधर रोटी कुछ बन के रेडी हो गया है, पराठा भी बना भी बाकी है। बेटा के लिए सूखा रोटी बना दिए हैं, सोमा का लिए पराठा। सोमा पराठा बिना नहीं चल सकती, कभी कल रोटी खा लेती हूँ। छत के ऊपर आए हैं थोड़ा मिर्ची लेने, जो हरा 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 मिर्ची है, हरा 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 हरा, ये देखिए देखिए। बहुत हवा चल रहा, सुबह आए थे कपड़ा सब सुखाने के लिए। ये तो एगो इधर है, एगो यहाँ है, मम्मी को दिखा दिखा दे रहे हैं। और देखे वहाँ एक बच्ची है ना, मम्मी को बड़ी प्यार करती। कल आएगी हम लोग का घर। आज धूप अच्छा से खिला एकदम, लेकिन हवा बहुत चल रहा। धनिया पत्ता मम्मी सुबह लेके गई थी तोड़ के। लंच का सब्जी बन के रेडी हो गया, मूंग दाल बना लिए, आलू मछली का बाटी चचड़ी उस दिन बनाए थे, सबको अच्छा लगा, फिर से बनाए हैं। और मछली अमचूर का खट्टा बनाए हैं। आज का मेनू ये है, चावल भी मेरा हो गया, मांड पसार रहे हैं। थोड़ा यहीं पर जा रहे हैं मेरे फ्रेंड का घर। सोमा थोड़ा कैफे जाएगा, बारिश हो रहा था, जा नहीं पा रहे थे, कैफे में थोड़ा काम है। ऊपर से थोड़ा एक तो ब्लाउज बनाना है, इसलिए देने जा रहे हैं। ब्लाउज सीने देने गए थे, सी कर दे करके आ गए हैं। आप लोग से वहाँ बात नहीं करें, हमको दूसरा का घर में ना बात करने मन नहीं करता। ऊपर से थोड़ा देर अपने बैठ के बात किए हैं, मेरा ब्लाउज सीने देख करके हम लोग चले आए हैं। आ करके घर में सोमा रोटी बनाई, हम पकौड़ी छाने। हम लोग माँ बेटी आज मूढ़ी खाए पकौड़ी देखे, इसीलिए पकौड़ी छाने। बेटा रोटी खाया, बर्तन भी आज धो लिए क्योंकि आज कपड़ा नहीं धोए, बहुत कपड़ा हो गया है, कल सुबह मेरे को धोना है। जैसे ही सुबह का काम खत्म हो जाएगा, झाड़ू पोछा सब ना, वैसे ही डॉगी लोग को कैसे काट रहा है, छोटा डॉगी को अपना तबीयत खराब है, उसी को काट दे। डिनर हो गया, आज का काम समाप्त हो गया। बाहर में मेरा डॉगी सब नहीं है, दूसरा कहीं से डॉगी एक आया, वही बच्चा कहीं दीदी 2 को बच्चा लेके आया, तो उसी का बच्चा को कोई काट दिया दूसरा डॉगी, वही पूरा ये हो रहा था। आप लोग से बात करके करके सोमा खिड़की से देखी, समझ में नहीं आया, दीवार का किनारे हो गया। टॉफी को आजकल कुर्सी लगा दिया, अपने से चढ़ जाता है उतर जाता है, देखिए कैसे हो रहा हो। टफू टफू तू 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 ना टफू आज डिनर कर लिया, डिनर में दूध पिया, मछली रोटी सब छान करके खा लिया ना। टफू 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 मेरा बूढ़ू हो गया, टफू मेरा बूढ़ू हो गया, चल नहीं सकता ठीक से, लेंगड़ाता है। ऊपर से ना उसका आँख में भी थोड़ा छाई टपकाने लगा है, कहीं जाने के लिए सोचना पड़ता, सब कोई खा पी सब कुछ कर लेगा, वो ना हम लोग कभी ना नहीं रह पाता, हम चले जाने से सोमा नहीं तो सोमा चले जाने से कहीं हम उसको, हम माँ बेटी को किसी को चाहिए, क्योंकि वो लोग इतना घर में नहीं रहते हैं, और ऊपर से वो लोग इतने ये हम लोग जैसे वो पलंग में चढ़ने से उसमें सोमा चढ़ा देती, दिन भर वही काम, जब देखने से बुलाते रहता मेरे को चढ़ाओ, उतर जाएगा अपने आप, फिर पलंग में चढ़ा दो। रात को कभी कभी रात भर सोता है, फिर पता नहीं क्यों गर्मी ठंडी में उसको कैसे गर्मी लगेगा, गर्मी थोड़ा बहुत लगता तो नीचे उतर जाता, फिर बुलाने लगता था, इसीलिए सोमा बोला मम्मी कुर्सी लगा दे है, वो कुर्सी में अपने चढ़ेगा उतरेगा। बारिश छूट गया, धूप भी निकल गया, लेकिन ठंडी बहुत ठंडी बाहर में। मेरे फ्रेंड का घर गए थे ना, तालाब थोड़ा तालाब का किनारे है, तो इसीलिए वहां जैसा रांची में ठंडा नहीं पड़ता, वैसे टिप का ठंडा पड़ा है लग रहा था। माँ बेटी कब वहां से आए हैं, हम लोग सोच रहे थे, हम पूछे विजय आप लोग का इधर क्यों ठंडी, ना तालाब किनारे है ना, इसीलिए हम लोग का यहाँ ठीक है, और हम लोग शाम का टाइम कहीं निकलते भी नहीं ना, इसीलिए इतना हम लोग को
समझ में नहीं आता बाहर में कितना ठंडा पड़ा कितना गर्मी। सुबह हम निकलते हैं पुल उल तोड़ने जाते हैं झाड़ू करते हैं अंगना उंगनी बाहर, तो समझ में मेरे को आ जाता है, लेकिन वहां ज्यादा ठंडी लग रहा था ना सुमा, उधर तालाब तरफ ज्यादा ठंडी लग रहा था। आज का ब्लॉग यही करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए। गुड नाइट बाय। टप्पू खाली देखिए मेरा गोदी पर आएगा, ये तो मेरे छनो मेरे छनो बाबा कुटू 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 कुटू, बैठ बैठ गोदी में बैठ, गोदी में बैठेगा, बैठ वही टोकिया में बैठेगा, मेरा गोदी में बैठेगा छोना मुनी। बाय बोलो तो बाय, बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो, सब फ्रेंड्स लोग को बाय बोल दो, बाय नहीं और सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, बाय बोल दो, बाय बोल दो, टपी का तरफ से सबको बाय।